इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, ये कोविड 19 केयर सेंटर है जहां डॉक्टर साहब को जाना है, और हालत यह है कि वो ठेला गाड़ी पर बैठकर जाने को मजबूर हैं। एक आदमी रिक्शा चला रहा है, ठेला गाड़ी पर डॉक्टर बैठे, सुपौल की यह तस्वीर है, और वो बैठकर कोविड 19 केयर सेंटर जा रहे हैं। वहां तक वो जाएंगे कैसे, उसके बाद वहां तक मरीज आएंगे कैसे, और जो मरीज आएंगे वो वहां रहेंगे कैसे, सुरक्षित कितने होंगे, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। जहां वार्ड्स के अंदर भी बाढ़ का पानी भर जा रहा है, यह स्थिति है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं जानता हूं आजकल आप होम क्वारंटीन है मजबूरन, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य कुछ कोरोना की चपेट में आए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जल्दी स्वस्थ हो आपके परिवार के लोग, लेकिन आपको ऐसे अस्पताल जाना पड़ता, जाते सर आप ठेले पे बैठ के, अच्छा लगता आपको कोई डॉक्टर ऐसे जाता हुआ दिखता है तो? देखिए रोहित जी, ये बात एक जमीनी सच्चाई है कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, आपके खगड़िया, अररिया, ये सब जितने हमारे बाढ़ प्रभावित एरिया है, ये हर वर्ष कम हो या बेशी बाढ़ का शिकार होते रहते हैं। मैं सल्यूट करता हूं उस डॉक्टर को कि इतनी परेशानी के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी बहुत चर्चा होती है, लेकिन आज आप मानिए इस बात को कि अगर जो हमारे लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पे कमेंट करते हैं, आज हमारे इस डॉक्टर को देखें कि इस पानी में भी वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने जा रहा है। एक असाधारण परिस्थिति है ये डॉक्टर साहब, वो कर्तव्य का निर्वहन काम करने जा रहा है, आपकी नाकामी को ज्यादा ढक रहा है, अलग है बाढ़ की, आपकी नाकामी को ज्यादा ढक रहा है, बाढ़ के कारण लोगों को उसको सैल्यूट नहीं चाहिए, उसको सड़क चाहिए करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जहां तक रही मेरी बात, मैं खुद कोरोना पीड़ित हूं, मैं घर में क्वारंटाइन में हूं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि बाकी अभी पटना में जितने डॉक्टर सेवा दे रहे हैं, कोई डॉक्टर 15 घंटा से 16 घंटा से नीचे काम नहीं कर रहा है आज की तारीख में, और सब फ्रंट वॉरियर्स की तरह डॉक्टरों की जान भी गई है प्यार में, इसीलिए मैं सल्यूट करता हूं इस चीज़ को। डॉक्टर साहब उसको सल्यूट नहीं चाहिए, डॉक्टर को उसको सड़क चाहिए, आप सल्यूट करके निपटा दे रहे हैं और सड़क की जिम्मेदारी से हट जा रहे हैं, ये कह के कि हर साल बाढ़ तो आती आती है। 200 साल की परिस्थिति है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सबको इससे पहल कर चुके हैं, उम्मीद है कुछ सोल्यूशन निकलेगा। नहीं नहीं अजय जी, आप तो सुलझे हुए नेता हैं, मुझे ये बता दीजिए क्या ये कहकर सरकार कोई जिम्मेदारी से भाग सकती है कि बाढ़ तो हर साल आती है और हर साल इस इलाके में पानी आता ही आता है, सरकार किस लिए होती है सर? बताइए सरकार इसलिए होती है कि सर ऐसी परिस्थिति में सरकार इसलिए होती है कि सल्यूट करे उस आदमी को जो बाढ़ में भी अस्पताल जा रहा है, या उसको सड़क दे। परिस्थिति में सरकार नागरिकों की मदद करे, सरकार इसलिए होती है, और सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद कर रही है, चाहे वो मेडिकल टीम की व्यवस्था करनी हो, चाहे वो नावों की व्यवस्था करनी हो, चाहे वो खाना पहुंचाने की व्यवस्था करनी हो, हमारे NDRF और SDRF के जवान लगे हुए बाढ़ पीड़ित इलाकों में, शहनवाज जी भी हैं, आप मोतिहारी के हमारे माधव आनंद जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। नहीं नहीं, मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं ना, संभव जितनी मदद हो सकती है सरकार पूरी शक्ति से लगी हुई, आपसे ही पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नाव में चला जाए क्योंकि हम नाव दे रहे हैं, मरीज वार्ड में नाव पे घूम ले क्योंकि अंदर पानी भरा हुआ है, और आप सल्यूट कर देंगे कि देखो पानी भरा उसके बाद भी वो इलाज करा रहा और वो कर रहा है। नहीं, आप बताइए अजय आलोक या नीतीश कुमार के हाथ में जादू की छड़ी है कि बाढ़ रोकते हैं? सर 15 साल कम होते हैं क्या नेपाल से? 15 साल कम होते हैं क्या नेपाल? नहीं, नेपाल 15 साल कम होते हैं क्या सर? नेपाल पे अटैक करते हैं कि अपना बराज मत खोलो, अटैक मत कीजिए सरकार से, आपने कम से कम कोई योजना बनाई होती सर, जिसके लिए आप लोग वोट पाते थे कि लालू यादव तो पानी रोक नहीं पाता, हमें सरकार में लाइए, हम रोक के दिखाएंगे। बात ही मत कीजिए, वो तो कहते थे कि अच्छी बात है कि बाढ़ आए, लालू यादव तो कहते थे जा जाके गाँव में कि बाढ़ को आने दो, बाढ़ आएगी तो मछली खाना, लालू यादव की बात हमसे कहां कंपैरिजन कर रहे हैं आप, लेकिन नेपाल को क्या हम मजबूर कर सकते हैं कि पानी ना छोड़े? सर आप मुझे जवाब दे दीजिए, आप अस्पताल के वार्ड में मछली पकड़वाने का इंतजाम कर दे रहे हैं, वहां तक पानी आ जा रहा है भैया अस्पताल के वार्ड में, तो आप ये मान रहे हैं आपने और लालू यादव की सरकार में कोई अंतर नहीं है, आप स्वीकार कर रहे हैं आपने और लालू यादव की सरकार में कोई अंतर नहीं है? वार्ड से पानी निकलवाने का हम इंतजाम कर रहे हैं, इस दुष्म परिस्थिति में भी डॉक्टर इलाज करते रहे इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, परिस्थिति में दवाइयां मिलती रहे इसकी व्यवस्था पर डॉक्टर जा रहे हैं। ओके माधव आनंद कुछ कह रहे हैं, आप कहां से बोले, ये कहां से बोले? रोहित जी, माधव आनंद रोहित जी, इनके रोहित जी माधव आनंद बोलिए। सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार सरकार और बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं अपनी विफलता में भी सफलता ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, जितना NHAI रोड ने बिहार में बनाया है सारे रोड अच्छे हैं, लेकिन जितना स्टेट स्पॉन्सर्ड रोड है, आप अजय आलोक जी ने सही कहा, मैं मोतिहारी में कैंपेन भी किया था और एक एक रोड का मैंने विजुअल जैसे ट्वीट भी करने का काम किया था, सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड रोड की स्थिति ऐसी है कि आप देख के दंग रह जाएंगे, यही है स्टेट की सरकार। दूसरी बात जो ये सरकार कहती है कि दावे जितने भी बड़े बड़े कर ले, पटना में जल जमाव की स्थिति पिछले साल क्या हुआ था हम सब लोगों ने देखा था पटना, और दूसरी बात अजय आलोक जी कह रहे हैं कि एक मिनट बाढ़ की विभीषिका, अजय आलोक जी
बेटी रोटी का संबंध नेपाल से है, माननीय मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, माननीय मोदी जी की कही कही जाती है कि विदेश नीति सबसे अच्छी विदेश नीति है, कहां गया विदेश नीति, डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं बिहार के साथ संधि हो पाया नेपाल का, इसका भी जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को नहीं देना पड़ेगा, माधव आनंद को नहीं देना पड़ेगा, ये केंद्र सरकार और आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उससे नहीं भाग सकते हैं, कहां क्यों नहीं हुआ, बेटी रोटी का संबंध आपका नेपाल से है।